हेलो गाइज, कंपाउंड एंगल्स के लेक्चर 4 के पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पार्ट 1 में पढ़ी गई आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मुझे गिवन है साइन 1 प्लस साइन 3 प्लस साइन 5 प्लस साइन 7 डिवाइड बाई कोस 1 प्लस कोस 3 प्लस कोस 5 प्लस कोस 7 इक्वल टू टेन थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो। मैं 1 और 7 के लिए, 3 और 5 के लिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में साइन सी प्लस साइन डी एंड कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला रेस्पेक्टिवली यूज करने वाला हूँ। तो मेरा न्यूमरेटर चेंज हो जाता है 2 साइन 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब डेनोमिनेटर में मैं कोस सी प्लस कोस टी का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ तो मुझे मिलता है 2 कोस 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कोस 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब अगर मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 साइन 4 1 माइनस 7 बाई 2 इट मीन्स कोस ऑफ माइनस 3 माइनस कोस ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू कोस 3 प्लस 2 साइन 4 कोस 1। जैसा कि हमने कोस 3 में किया है सेम कंसेप्ट से कोस 1। सिमिलरली डेनोमिनेटर 2 कोस 4 कोस 3 प्लस 2 कोस 4 कोस 1। अब अगर मैं न्यूमरेटर से 2 साइन 4 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलता है कोस 3 प्लस कोस 1, और अगर डेनोमिनेटर से 2 कोस 4 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलता है कोस 3 प्लस कोस 1। कोस 3 प्लस कोस 1 से कोस 3 प्लस कोस 1 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है तो मुझे मिलता है टेन 4। अब हम जानते हैं टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो जो वैल्यू टेन 184 की होगी वही टेन 4 की होगी। यहाँ से अगर मैं इसे टेन थीटा से कंपेयर करता हूँ तो मुझे थीटा इक्वल टू बनता है 184 डिग्री। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि मुझे गिवन है इफ़ एल्फा इक्वल टू पाई बाई 19 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23 एल्फा माइनस साइन 3 एल्फा डिवाइड बाई साइन 16 एल्फा प्लस साइन 4 एल्फा। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं न्यूमरेटर में देखता हूँ मेरा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा और डेनोमिनेटर में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा। तो न्यूमरेटर मेरा बन जाता है 2 कोस 23 एल्फा प्लस 3 एल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 23 एल्फा माइनस 3 एल्फा डिवाइड बाई 2, और डिनोमीटर मेरा बन जाता है 2 साइन 16 एल्फा प्लस 4 एल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 16 एल्फा माइनस 4 एल्फा डिवाइड बाई 2। न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस 13 एल्फा इंटू साइन 10 एल्फा डिवाइड बाई 2 साइन 10 एल्फा इंटू साइन 6 एल्फा। अब यहाँ पे मेरा साइन 10 एल्फा से साइन 10 एल्फा और 2 से 2 कैंसिल आउट होता है और मुझे मिलता है कोस 13 एल्फा। अब एल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो इसका मतलब कोस 13 पाई बाई 19 डिवाइड बाई साइन 6 पाई बाई 2। अब अगर इसके बाद मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 कोस 13 अल्फा इंटू साइन 10 अल्फा डिवाइड बाई 2 साइन 10 अल्फा इंटू कोस 6 अल्फा। अब यहाँ पे साइन 10 अल्फा से साइन 10 अल्फा और 2 से 2 कैंसिल आउट होता है और मुझे मिलता है कोस 13। अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद कोस 13 पाई बाई 19 और डेनोमीटर में कोस 6 पाई बाई 19। 13 पाई को मैं लिख सकता हूँ
नाइनटीन पाई माइनस सिक्स पाई डिवाइड बाई नाइनटीन डिवाइड बाई कोस सिक्स पाई बाई नाइनटीन। न्यूमरेटर मेरा बन जाता है कोस पाई माइनस सिक्स पाई बाई नाइनटीन डिवाइड बाई कोस सिक्स पाई बाई नाइनटीन। अगर कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा के, इट मीन्स कोस सिक्स पाई बाई नाइनटीन डिवाइड बाई कोस सिक्स पाई बाई नाइनटीन, और यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिलती है माइनस वन के इक्वल। अब इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे करने वाला हूँ जिसमें कि मुझे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो है हमारा साइन एट थीटा कोस थीटा माइनस साइन सिक्स थीटा कोस थ्री थीटा डिवाइड बाय कोस टू थीटा कोस थीटा माइनस साइन थ्री थीटा साइन फोर थीटा, और हमें गिवन है थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री। न्यूमरेटर और डेनोमेटर में मैं टू टू से मल्टीप्लाई करके और प्रोडक्ट को सब में चेंज करने वाले फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मुझे मिलता है टू साइन ए कोस बी, जो कि इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी, इट मीन्स साइन ए थीटा प्लस थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, इट मीन्स साइन ए थीटा माइनस। सिमिलरली यहाँ पे मैं फिर से टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मुझे मिलता है साइन सिक्स थीटा प्लस थ्री थीटा प्लस साइन सिक्स थीटा माइनस थ्री थीटा डिवाइड बाई, अब मैं यहाँ पे टू कोस ए कोस बी का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मुझे मिलता है कोस टू थीटा प्लस थीटा प्लस कोस टू थीटा माइनस थीटा। यहाँ पे मैं टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मुझे मिलता है कोस थ्री थीटा माइनस फोर थीटा माइनस कोस थ्री थीटा प्लस फोर थीटा। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो दिस बिकम साइन नाइन थीटा, दिस बिकम साइन नाइन थीटा, और यहाँ पे इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल आउट होता है और मुझे मिलता है न्यूमरेटर में साइन सेवन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा डिवाइड बाई कोस थ्री थीटा प्लस कोस सेवन थीटा। न्यूमरेटर में मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करता हूँ जो कि होता है टू कोस सेवन थीटा प्लस थ्री थीटा डिवाइड बाई टू इंटू साइन सेवन थीटा माइनस थ्री थीटा डिवाइड बाई टू, और डेनोमेटर में मैं कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यूज करता हूँ जो कि होता है टू कोस थ्री थीटा प्लस सेवन थीटा डिवाइड बाई टू इंटू कोस थ्री थीटा माइनस सेवन थीटा डिवाइड बाई टू। यहाँ पे टू से टू कोस टेन थीटा बाई टू से कोस टेन थीटा बाई टू कैंसिल आउट होता है और मुझे मिलता है न्यूमरेटर में साइन टू थीटा डिवाइड बाई कोस टू थीटा एंड दैट इज इक्वल टू टेन टू थीटा। थीटा की वैल्यू 7.5 पुट करने पर मुझे मिलता है 10/15 जो कि इक्वल टू होता है रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन के। अगर मैं यहाँ पे इसे रैशनलाइज कर देता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 2 माइनस रूट थ्री। यही हमारा आंसर है। थैंक यू गाइस।